पिछले कई लेक्चर्स में हमने एनिमेशन, उसके फर्दर प्रीसेट्स, कुछ प्लगइन्स और डिफरेंट इफेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। हमने देखा किस तरीके से हम मल्टीपल इफेक्ट्स लगा के या फिर डिफरेंट तरीकों से एनिमेशन को मैनिपुलेट करके अपने फाइनल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं नॉइज़ के ऊपर। इसमें हमारे पास इफेक्ट पैनल में एक नॉइज़ एंड ग्रेन्स की ऑप्शन मौजूद है। उसके अंदर फ्रैक्टल नॉइज़ एक हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट है। उसके थ्रू हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप जिस तरीके से उनको यूज़ करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें, एनिमेट करना चाहें उनकी वैल्यूज़ को, उनके की फ्रेम्स को, तो आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हमने आर्टिफिशियल या फिर अपने पास से हमने क्लाउड्स बनाने हो तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक इमेज मौजूद है और इस इमेज को मैं यहाँ पर अपनी कंपोजिशन में ड्रैग कर लेता हूँ। काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है तो हम इसको स्केल डाउन कर सकते हैं या कंट्रोल ऑल्ट एफ से इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टैटिक स्टिल इमेज है जिसमें मेरे पास यहाँ पर क्लाउड्स तो हैं लेकिन हम यहाँ पर अपने क्लाउड क्रिएट करेंगे फ्रैक्टल नॉइज़ के थ्रू। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो मैं इसको मास्क कर लूँ। अगर तो मैं फ़ोटोशॉप से भी करके ले आऊँ तो वैसे भी मैं हो सकता है, क्योंकि ये स्टिल इमेज है, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं वहाँ से आप इजीली इसको मास्क कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास यहाँ पर पेन टूल है और यहाँ से हम पेन टूल अपना सेलेक्ट कर लें। इसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर लूँ तो मेरे लिए और आसानी होगी, जूम भी मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ से हम अपना मास्क शुरू करते हैं और आप इसको चाहें तो डिटेल में बिल्कुल जूम इन रख कर के एग्जैक्ट पॉइंट्स के साथ अपने मास्क, और अगर मैं यहाँ पर एक और अप्लाई करूँ आप देख रहे हैं कि ये कर्व में दे देता है। इसको अंडू करते हैं, ऑल्ट के साथ इसकी डायरेक्शन अगर मैं ऊपर कर दूँगा तो ये फर्दर उसके साथ ही बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाएगा जो उसका हैंडल है वर्टेक्स का। यहाँ पर भी मैं ऑल्ट के साथ इसको ऊपर कर सकता हूँ ताकि नेक्स्ट हमारा जो और फर्दर आप चाहें तो बेशक इन माउंटेन को भी हम मास्क कर देते हैं। इसको हम इसके साथ ही और इसको हम यहाँ पर इसके बिल्कुल आउट पॉइंट से ये इधर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस पर हमने एक क्विक सा मास्क बना लिया है। हम पहले भी इस पर काम कर चुके हैं और फर्दर आप अगर किसी और जगह पर किसी पॉइंट को रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इवन कि ये आप पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सॉलिड लेयर ऐड करता हूँ और उसके ऊपर हम स्काई बेसिकली हम बना लेंगे अपना। इसका कलर हम कोई ब्लू सा रख लेते हैं। इसको हम नीचे अगर इसके रखेंगे तो मास्क एरिया आपको नज़र आएगा। इसको हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स में जाके इसके हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं ताकि हम, क्योंकि स्काई आपका डिफरेंट कलर का होगा, आप चाहें तो फ़ोटोशॉप में इसको डिज़ाइन करके ले आएँ अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है, और यहाँ से आप ग्रेडियंट रैंप इस पर अप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दो डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। इसको आप ब्लू कलर जो हमने पहले डिसाइड किया था स्काई का, और नीचे हम थोड़ा सा इसको उसी शेड में वाइट की तरफ रखते हैं। फर्दर आप चाहें तो इनकी पोजिशन भी अपनी मूव कर सकते हैं, अपने ब्लू की भी और साथ में जो नीचे वाला कलर है वाइट उसको भी उस हिसाब से जितना आपको चाहिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस सॉलिड लेयर पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इफ़ेक्ट में जाके नॉइज़ एंड ग्रेन के अंडर हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्टल नॉइज़ की ऑप्शन है और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट किस्म की नॉइज़ ऐड हो चुकी है। इस लेयर को अभी हम ऊपर रख लेते हैं ताकि हम अपना जो क्लाउड है उसको क्रिएट करें, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसको भी हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्टल टाइप में हम जाके इसको हम टेरेन कर देंगे ताकि आपके पास शेप इसकी डिफरेंट हो जाए, और फर्दर इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ से हम इसको टेरेन के बाद नॉइस टाइप में इसको हम स्प्लाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह से नॉइज़ है। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो आपके पास जो ये वाइट एरिया है तो बेसिकली इससे ही हम अपनी क्लाउड की मूवमेंट एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे।
और अब ये हमारे पास एक शेप तो आ गई है, यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी एनिमेशन देते हैं क्योंकि क्लाउड की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर बेसिकली एवोल्यूशन जो है वो क्लाउड की इस तरह की मूवमेंट में जो नॉइज़ है इसको मूव कर सकता है। यहाँ से एवोल्यूशन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें पहला की फ्रेम ऐड करेंगे और उसके बाद 15 सेकेंड तक हम इसको एनिमेशन दे देते हैं। हमारी कंपोजिशन जो है एग्जैक्टली इसको 15 सेकेंड पर हम एनिमेट करते हैं रख के, और इस पर हम की फ्रेम जो पहले हमने लगाया यहाँ पर हम इसको साइकिल्स 5 दे देते हैं, और इस 15 सेकेंड के अंदर जो साइकिल्स हैं उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से इनकी मूवमेंट हो रही है। अभी हम इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म में जाके भी मूव करेंगे ताकि क्योंकि जो एनिमेशन है वो हमारी थोड़ी सी मूवमेंट के साथ हो। अभी जस्ट ये सिर्फ इस नॉइज़ की जो एवोल्यूशन थी उसको सिर्फ हमने चेंज किया है। फर्दर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड भी मौजूद है। अभी आपको बिल्कुल इसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल कहीं से भी क्लाउड की इसमें कोई फील नहीं आ रही इस वक्त। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में जाके अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन कर दूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन है बेसिकली इस ब्लैक को ख़त्म कर देगा, तो आप देख सकते हैं पीछे जो मैंने सॉलिड लेयर लगाई थी फिर उसके बाद मैंने उस पर ग्रेडियंट इफेक्ट लगाया, तो उसके ऊपर ये जो नॉइज़ थी फ्रैक्टल नॉइज़, तो बेसिकली अब क्लाउड की फॉर्म में आ चुकी है और इस तरह से वो मूव हो रही है। अगर आपको ये मूवमेंट तेज़ लगे क्लाउड की ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप एवोल्यूशन में जाके साइकिल को कम कर सकते हैं। फर्दर इसको थोड़ा सा हम इस वक्त मूव करते हैं क्योंकि ये एनिमेट हो रहे हैं, एक जगह ये रहेंगे नहीं। नॉर्मली टाइम लैप्स वगैरह में अगर आपने देखा हो किसी वीडियो में बहुत तेज़ी से गुजर रहा है टाइम, तो उसमें बादल की मूवमेंट आपको बहुत स्पीडी नज़र आएगी। तो यहाँ पर इसमें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मौजूद है, इसमें फर्दर रोटेशन वगैरह भी इनकी यहाँ पर है। आप स्केल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये छोटा या बड़े आपकी नॉइज़ हो रही है, आप यहाँ से स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये ट्रेबुलेंस जो है ऑफसेट ट्रेबुलेंस, बेसिकली ये इसको मूव करेगी यहाँ से राइट या लेफ्ट, आप एक्स वाई एक्सिस में इसको मूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो फ्रेम है वहाँ पर मैं इसकी एनिमेशन ऑन करता हूँ और हम 10 सेकेंड तक ही इसको, जहाँ तक हमारा दूसरा था, यू प्रेस करूँगा तो जिन चीज़ों पर एनिमेशन या की फ्रेम्स हमारे लगे होंगे वो शो हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इस की फ्रेम के साथ मैं अपना CTI को क्यू करने के लिए ये यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो मैं इसको, अगर क्योंकि बादलों की डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ देंगे तो हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसको अगर इतना यूँ किया है मूव, तो इस वक्त ये काफ़ी 15 सेकेंड के हिसाब से काफ़ी स्लो है। ऊपर ये मूव तो हो रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मूवमेंट कम है। हमें यहाँ पर वैल्यू ज़रा ज़्यादा देनी पड़ेंगी माइनस में, क्योंकि हम ऊपर मूव कर रहे हैं, तो हम इसको माइनस अगर 800 भी रखें इस वक्त तो आपके पास कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा स्पीडी इसको मूव करना है तो आप इसको -1500 या फिर इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ में लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ये आपके पास इस तरह से मूव हो रहा है यहाँ पे। जिस लेयर को हमने मास्क किया था, अगर हम उसको ऊपर अब रख लें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीछे ये क्लाउड की एनिमेशन आपके पास सामने आ गई है, लेकिन ये अभी भी थोड़े से ऑफ लग रहे हैं। मतलब मूवमेंट है, क्लाउड भी है, सब कुछ आ गया है इसमें। अगर इसको हम थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है वो बेसिकली पर्सपेक्टिव का है, वो बिल्कुल थक करके स्ट्रेट नहीं जा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको इसको डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हम यहाँ पर डिस्टॉर्ट में जाके अपनी कॉर्नर पिन, एक इफ़ेक्ट है, इसको अप्लाई करें, तो इसमें बेसिकली आप इन कॉर्नर्स को जो कि डिस्टॉर्ट आप थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, इस लेयर पे मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा जो सॉलिड वाली लेयर थी उसके ऊपर ही। इसको हम यहाँ से माइनस कर लें। आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट लगाने के बाद आपके पास ये कॉर्नर पिन बेसिकली आ रहे हैं। तो इसको आप देखें कि इस तरह मूव करेंगे तो बिल्कुल ये डिस्टॉर्ट उसको कर रहा है, और आप इसको इस पॉइंट पर रख लें, इस नीचे वाले को भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, थोड़ी सी देखें डिस्टॉर्शन उसमें है। और फर्दर जो इनकी मूवमेंट थी उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर अगर आउट कर देंगे स्क्रीन के इस तरफ, तो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा आपको एक 3D सा या फिर एक सामने की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसको ऑफ करके देखें तो पहले बिल्कुल ये इस तरह से था। इसको हम यहाँ से फिट कर लेते हैं, और कॉर्नर पिन लगाने से पहले बेसिकली वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट था, और कॉर्नर पिन इफेक्ट और इसके जो कॉर्नर्स को एडजस्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थोड़े से जो उनकी फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी, मतलब आपको इवन भी लग रही है और वो प्रॉपर एक क्लाउड की फील आ रही है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक क्लाउड अपना बना सकते हैं। हमने अभी देखा कि फ्रैक्टल नॉइज़ के थ्रू हमने यहाँ पर पूरा ये क्लाउड क्रिएट किया, और फर्दर आप चाहें तो इसको फिर मूवमेंट देनी हो, आप रिकम्पोज करके इसको जूम इन, थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा एक टाइम लैप्स की फील भी आ जाएगी।
इसमें थोड़ा सा एडिशनली अगर हम काम करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं अगर क्लाउड है तो यहाँ पर इसका शेडो बिल्कुल नहीं है। हम इन्हीं क्लाउड को ही मैनिपुलेट करके इसी लेयर को आगे फर्दर इसका शेडो भी बना सकते हैं और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस लेयर को डुप्लीकेट करना होगा सॉलिड जिसके ऊपर हमने ये क्लाउड बनाया है। ये आप देख सकते हैं ये लेयर है, इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और जो हमारी डुप्लीकेट लेयर है उसको हम इस वक्त ऊपर मूव कर लें बिल्कुल। कॉर्नर पिन इसमें से हम हटा देंगे क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ इस वक्त बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं और फर्दर जाके इसमें हम इसकी कुछ और सेटिंग्स को भी इन्वर्ट की जगह हम इसको ऐसे कर देंगे, इन्वर्ट को अनचेक कर देंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड फिलहाल हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब आपको बेसिकली जो ब्लैक एरियाज हैं उसको आपने ओवरलैप करना है नीचे शेडो के तौर पे। और ऑब्वियसली अगर ये ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं तो शेडो आपका उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, इसको हमें यहाँ से फ्लिप करना होगा और उसको फ्लिप करने के लिए हमें बेसिकली इसको प्री कंपोज करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको अभी करेंगे तो इस पर इफेक्ट भी लगा हुआ है, ये एक सॉलिड है, प्री कंपोज से ये एक स्टैंड अलोन एक और कंपोजिशन बन जाएगी तो आपके लिए इसको फ्लिप करना आसान होगा। हम यहाँ पर लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास यहाँ पर ये डायरेक्शन इनकी नीचे की तरफ है, उसमें आपके पास जो मेन क्लाउड थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे और ये शेडो के लिए नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है। जो हमारे पास ये लेयर है इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपको याद हो हमने अल्फा मेट और लूमा मेट जो पहले हमने देखी थी ऑप्शन सारी, अब हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हुए बेसिकली इसको इस एरिया के ऊपर अब इस वक्त अल्फा मेट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर जाके अल्फा मेट सिलेक्ट करूँ और आप देख सकते हैं अल्फा मैट के बाद आपके पास बिल्कुल शेडो लेयर थी वो आपके पास सिर्फ इन लेयर के ऊपर आ चुकी है जिसमें आपके पास ये आपका इमेज था। अब पहले हमने स्क्रीन किया था ब्लेंडिंग मोड में जाके क्योंकि हमारे पास जो क्लाउड थे वो वाइट थे, अब हमने इस ब्लैक एरियाज़ को विजिबल करना है तो हमें यहाँ पर अपने ब्लेंडिंग मोड में इस लेयर को हम ब्लेंड करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वाइट एरियाज़ हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, वो ब्लेंड हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी अब वो नीचे की तरफ है और वो आपका यहाँ पर एक शेडो भी बन चुका है। अब ये शेडो को भी आप मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही जो कॉर्नर पिन था उसको लगा के इसके ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। इनको भी आप इस तरह के अपनी स्क्रीन के इधर अगर आप यूँ करेंगे ताकि इनका पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा डिफरेंट रहे, ना कि ये बिल्कुल सीधा स्क्रीन पर ठक करके आ रहे हो। फर्दर आपके पास इफ़ेक्ट्स में ऑप्शन मौजूद है ब्लर की भी, क्योंकि बिल्कुल डार्क किस्म का शेडो नहीं होगा, आप इसको ब्लर कर सकते हैं। आपके पास ब्लर एंड शार्पन टैब के अंदर हम यहाँ पर गॉशियन ब्लर अप्लाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को भी आप देख सकते हैं जितना आपको सूट करता है, जितना आप इसको ब्लर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त वो आपका शेडो ब्लर हो चुका है। और फाइनली इसके बाद हम चाहें तो टी प्रेस करें इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं क्योंकि 100% पे भी बहुत स्टिल अभी बहुत हैवी शेडो है और ओपेसिटी कम करने से आप देख सकते हैं कि शेडो तो है लेकिन आप इसको 60 कर लें तो इस वक्त इसके जो क्लाउड हैं और साथ में उनका शेडो है वो बिल्कुल मतलब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। और फर्दर अगर आपने कोई इनको और एनिमेशन देनी हो जूम इन जूम आउट या फिर टाइम लैप्स की फील के लिए, आप इन सबको एक साथ प्री कंपोज करके इसके स्केल को आप थोड़ा सा एनिमेट कर लें और मे बी हमने 10 सेकंड पे ही किया था तो यहाँ पे जाके हम इसका स्केल 108 कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 112 कर लेते हैं। और इस वक्त मेरे पास जो ये फाइनल फॉर्म है जिसको हमने क्लाउड क्रिएट किए फ्रैक्टल नॉइस से, फिर हमने उसी लेयर को डुप्लीकेट करके शेडोज़ क्रिएट किए और डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड के साथ हमने इस पर काम किया तो वो कुछ इस तरह से हमने इसको जूम इन भी कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी मूवमेंट इस वक्त जूम इन भी हो रही है और इसमें सारी चीज़ें क्लाउड भी शेडो भी और जो आपकी ये मेन इमेज थी वो भी एक साथ मूव हो रही है। कहीं से आपको ऑफ लगता हो अपने कॉर्नर जो आपका पॉइंट्स थे बेसिकली आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ी सी ओपेसिटी को भी दोबारा छेड़ना चाहें दोबारा जाके कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट किसी स्टेज पर करनी हो आप उसको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने यहाँ पर
क्लाउड को भी क्रिएट किया, हमने नॉइज़ एंड ग्रेन में जाके फ्रैक्टल नॉइज़ यूज़ की, हमने सॉलिड को भी यूज़ किया, फर्दर उसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली आपने देखा सिर्फ एक इफेक्ट लगाने से हमारे पास एक क्लाउड हमने क्रिएट कर लिए। आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी क्रिएट हो सकती हैं, और चीज़ें जनरेट हो सकती हैं, आपके इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड करता है। इसलिए हम जब इफ़ेक्ट के टाइप को हमने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप इन इफ़ेक्ट्स को बारी बारी देखें, समझें कौन सा इफेक्ट कहाँ पर यूज़ होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्रैक्टिस के बाद आपका हाथ उस पर, आपका फ्लो उस पर बनता जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस करते रहें और बाकी लेक्चर्स में फिर हम मज़ीद चीज़ों पर बात करेंगे।